हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है गेट रेडी विथ मी। तो इसके लिए मैं आज एक्चुअली डिसाइड नहीं की थी कौन सा साड़ी पहनने वाली हूँ। और लास्ट टाइम में जब मैं डिसाइड की कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है, तो वो साड़ी मुझे फाइनली मिली नहीं, क्योंकि जैसे तैसे रखा हुआ है, तो फिर ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा ये ब्लैक वाली ही साड़ी आज स्टाइल करती हूँ। हालांकि मैं रेडी उस व्यू से हुई थी कि मैं उस साड़ी के साथ या फिर किसी और साड़ी के साथ ट्राई करूँगी, बट कोई नहीं, ये साड़ी सामने था तो मैंने सोचा इसी के साथ ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैं ये ब्लैक ब्लाउज वेयर कर ली हूँ और इसके साथ अपना स्कर्ट, क्योंकि मेरे पास ब्लैक पेटीकोट नहीं है, तो स्कर्ट के साथ ही हम ये ब्लैक साड़ी पहनेंगे। तो चलिए इसके पहले स्टार्ट करते हैं। तो हल्का फुल्का, कोई खास मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, फाउंडेशन वगैरह सब स्किप है, सिर्फ मैं आई मेकअप करूँगी और लैशेज वगैरह ट्राई करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो देखती हूँ आई लैश मैं लगा पाती हूँ अच्छे से या नहीं लगा पाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं आई शेडो पहले ही अप्लाई कर ली हूँ और बस आई मेकअप ही करूँगी। मैं कोई फाउंडेशन कंसीलर वगैरह कुछ भी नहीं यूज की हूँ। यहाँ पे मैं काजल से ही बिंदी बना ली हूँ, बट आई नो मैरिड लोगों को ब्लैक बिंदी नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ आई लैसेज लगाने का, जो कि मैं काफ़ी टाइम से मेरा प्रैक्टिस छूट गया है। तो अब देखते हैं मैं अच्छे से अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया, किसी तरीके से लगा ली, बट बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, कभी इधर से निकल रहा था कभी उधर से निकल रहा था, तो लास्ट में मैं हटा ही दी। लेकिन फाइनली देखने पर लुक आई लैसेज के बाद एकदम से आइज़ का लुक ही चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है आँख। तो बस यहाँ पर मैं विंग्स आई लाइनर क्रिएट की हूँ अपर एंड लोअर लैसेज पे। उसके बाद हेयर स्टाइल मैं यहाँ पे बन बनाई हूँ और साइड से मैंने इस तरीके से फ्लावर ऐड कर दिया है बन के पास, कोई सा भी आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैं इयररिंग पहनूंगी, सिंपल सा अपना मंगलसूत्र वेयर की हूँ, और इसके बाद मैं पहनूंगी साड़ी। इतना ही मैं सूट के लिए मेकअप करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन कंसीलर ये वो जितने भी मेकअप वाले प्रोडक्ट है ना, अगर हम डेली यूज करेंगे तो हमारी स्किन के लिए वो हार्मफुल होता है, कितना भी अच्छे ब्रांड का आप यूज कर लो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब आई मेकअप से हमारा काम चल जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना ही मेकअप करूँ। हाँ, ज़रूरत हो कोई पार्टी फंक्शन है तो जाहिर सी बात है मेकअप तो करना बनता ही है, लेकिन सिंपली मैं ऐसे ही अपने शूट के लिए रेडी होती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे पहन रही हूँ साड़ी, बैंगल वगैरह ये सब अभी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, बट हाँ ये भी ऐड करेंगे तो थोड़ा लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। लेकिन अभी मैं सिंपली अपना जैसे भी रेडी होती हूँ, क्योंकि आजकल मैं वीडियो ऐसे ही शूट करती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं साड़ी को ड्रेप कर ली हूँ और यहाँ पे कमर की प्लेट्स बना रही हूँ। तो पूरी साड़ी जब मैं ड्रेप कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, गेट रेडी विथ मी, या फिर शूट के लिए मैं कैसे रेडी होती हूँ, ये भी बोल सकते हैं। तो वही मैं आज की वीडियो में दिखाई हूँ। तो बस यहाँ पर साड़ी हमारी ड्रेप हो चुकी है, तो आप ओपन पल्लू पल्लू फोल्ड करके लेंगे, क्योंकि ये शिफॉन साड़ी है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ना, तो आप कभी भी किसी भी तरीके से इसे इजीली कैरी कर सकते हो, चाहे प्लस साइज के हो या फिर नॉर्मल गर्ल हैं, तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है। और समर के लिए तो पूछना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने साड़ी वियर किया हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं ओपन पल्लू साड़ी ले रही हूँ और ये बिना पीछे शोल्डर पे हो गया, और ये है हमारा फाइनल लुक। तो देखिए फाइनल लुक डिफरेंट स्टाइल में, और फिर मिलती हूँ।
फाइनली ये मेरा आई लैसेस निकालने के बाद आई लुक इस तरीके का है, क्योंकि अनकंफर्टेबल था तो मैंने सोचा हटा ही देती हूँ इसे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।